हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है शिक्षण सूत्र। यह टॉपिक है बहुत छोटा पर है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। कमेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम दिए, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार शिक्षण सूत्र वह मार्ग है, वह रास्ता है, जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आसान, रुचिकर, प्रभावशाली और मनोवैज्ञानिक बनाई जाती है। शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर शिक्षण कार्य को उसके लक्ष्य तक पहुँचाया जाता है। शिक्षण सूत्र बाल मनोविज्ञान पर आधारित होता है। एक शिक्षक को अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ इन शिक्षण सूत्रों का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है, और किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस स्थान पर और कैसे करना है इसका ज्ञान होना भी अति आवश्यक है, ताकि विषय वस्तु को सरलता से समझाया जा सके। शिक्षण सूत्र कई प्रकार का होता है, जिसे अपनाकर एक शिक्षक शिक्षण कार्य को सफल बनाता है। अब हम लोग बारी बारी से सभी शिक्षण सूत्र को देखेंगे। हमारा पहला शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक को सबसे पहले सरल बातों को समझाना चाहिए, उसके पश्चात कठिन बातों को समझाना चाहिए, जिससे पाठ वस्तु में उसकी रुचि व ध्यान बनी रहे। इस शिक्षण सूत्र में पाठ का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि सबसे पहले सरल बातें आए और फिर क्रम से कठिन बातें आती है। जैसे बालक को हिंदी शब्दों का ज्ञान कराने से पहले उन्हें अक्षरों का ज्ञान कराना जरूरी होता है। हमारा दूसरा शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। इस सूत्र के अंतर्गत बालक को सबसे पहले उन बातों को बताया जाता है जो बालक जानता है, फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिसे वह नहीं जानता, क्योंकि हमेशा नवीन तथ्य बच्चों के लिए कठिन होता है। एग्जाम्पल, गणित में पहाड़ा सीखने से पहले छात्रों को गिनती का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी वह पहाड़ा आसानी से सीख सकता है। हमारा अगला शिक्षण सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक को मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाया जाता है। इसमें बालक को सबसे पहले स्थूल वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाती है, फिर उन वस्तुओं के बारे में बताया जाता है जो सूक्ष्म होते हैं। स्थूल वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। हमारा अगला शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। इस शिक्षण सूत्र में बालक को सबसे पहले पूर्ण विषय वस्तु की जानकारी दे दी जाती है, फिर उसके बाद एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। जैसे बालक को कंप्यूटर के जानकारी के लिए सबसे पहले बालक को कंप्यूटर दिखाया जाता है, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दे दी जाती है। हमारा अगला शिक्षण सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इंडिफिनिट टू डिफिनिट। प्रारंभ में बच्चों को किसी वस्तु, तथ्य, घटना का स्पष्ट एवं निश्चित ज्ञान नहीं होता है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उसकी अनिश्चित और अस्पष्ट ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे, जिससे बालक के मन में किसी विषय वस्तु का निश्चित और स्पष्ट ज्ञान हो सके। हमारा अगला शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद उन वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए जिसे वह नहीं देख सकता। हमारा अगला शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। इस शिक्षण सूत्र में बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए और फिर उन उदाहरण के आधार पर सामान्य नियम या सिद्धांत को स्पष्ट करना चाहिए। हमारा अगला शिक्षण सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। विश्लेषण का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ना और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे पाठ में बांटकर संपूर्ण पाठ को पढ़ाया जाता है, फिर उसका सारांश बताया जाता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।